क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू। बेटा हमें क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, रूट थ्री के, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की। तो बेटा इस क्वेश्चन में पहले हम जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसी से बिगेन करते हैं। देखो अगर मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, यस, और कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉट थीटा क्या किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम बेटा कॉस थीटा और साइन थीटा रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा ही है ना, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। ये कॉमन कुछ नहीं है तो जो अनकॉमन है वही लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, जो एलसीएम आया कॉस थीटा साइन थीटा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जब हम कॉस थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये वाला कॉस थीटा इस वाले कॉस थीटा से कट जाएगा और क्या आएगा, साइन थीटा। फिर हम इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज साइन स्क्वेयर थीटा। सिमिलरली इधर अब कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा किससे डिवाइड होगा बेटा, साइन थीटा से ही डिवाइड होगा ना। तो जब हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जो कॉस थीटा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा। एंड वी नो डैट कॉस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो वी गेट वन अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। बेटा अब हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगी, अगर हम इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वेयर कर दें, होल स्क्वेयर कर दें, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी यानी कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और इससे इसको यूज़ करके हम कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा तक पहुँच सकते हैं, या साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो या कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा सेम थिंग, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। सो बेटा आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड का स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट थ्री होल स्क्वेयर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करें, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। इधर ए क्या बेटा, साइन थीटा, तो इट कुड बी रिटर्न लाइक दिस, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी। टू ए बी यानी कि टू साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वेयर क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना। वी नो डैट रूट थ्री स्क्वेयर क्या होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट नाइन होता है, तो इट विल बिकम थ्री। तो जब भी रूट थ्री का स्क्वेयर होगा उसको हम थ्री लिख सकते हैं, मान लो रूट टू है तो रूट टू का स्क्वेयर टू होगा, तो अभी क्या आएगा इधर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो इधर हम थ्री लिख देंगे। ओके फाइन बेटा, अब आगे करते हैं हम इसको सॉल्व। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, इधर हमने आइडेंटिटी लगा दी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और यहाँ पर हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री। अब ये जो प्लस वन है थ्री के साथ ट्रांसपोज होके माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, तो टू साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टू। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टू हो गया, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल होगा टू अपॉन टू के, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई है टू, तो इधर आके ये डिवाइजर में चला जाएगा यानी कि टू डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। इसको कट करेंगे
हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा वन हो गया। और अब ये वैल्यू हम यहाँ डाल दें, कॉस थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, वन ही हुआ ना। तो अब कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा वन ही होगा, ओके। और वन अपॉन वन वन होता है, तो यानी कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा फाइनली क्या आया, वन आया। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा।